लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर इस समय देखने को मिली है। बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली थी, लेकिन अब हरियाणा में विधानसभा का कुरुक्षेत्र होने वाला है, जिसके लिए पार्टियां अभी से ही मैदान में कूद गई हैं। बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर के बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर जबरदस्त समय काम कर रही है। बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के पाली में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमित शाह सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर फोकस करते नजर आए। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए पिछड़े वर्ग पर भरोसा जताते हुए कहा कि बीजेपी पिछड़े वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी ने देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। बीजेपी ने हरियाणा में ओबीसी समाज के गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से 10 साल का हिस्सा मांगते हुए कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार सांसद नाते पग पैर रखा और देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया था, मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है, और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हुड्डा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। परंतु मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए, एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। मेरे पास हुड्डा साहब आने आने का हिसाब है, हमारे कार्यकर्ता 6225 की 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। मैं साहब नायब सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, वो और प्रदेश अध्यक्ष जी, ये पांचों 6 की 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करे और हिसाब दी दे। हुड्डा साहब, हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के बीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे, बीसी के हक की हम संरक्षण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर इशारा दिया है कि हरियाणा में बीजेपी सिर्फ जाट समुदाय के भरोसे न रहकर पिछड़े वर्ग के सभी समुदाय को साथ लेकर के चलने वाली है।